आज इंडिया में अधिकतर लोग बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि या तो उनको सही सिखाने वाला नहीं होता है, या पैसे की परेशानी होती है, या उनको पता नहीं होता कि काम क्या करूं। हर कोई चाहता है कि मैं जो जॉब कर रहा हूं उसको छोड़ के उसके अलावा कुछ करूं, लेकिन समझ नहीं आता कैसे करूं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी काम के बारे में वही सिखा सकता है जो रियली में उस काम में एक्सपीरियंस ले रखा हो, जो एक नॉर्मल लाइफ से एक अच्छी लाइफ की तरफ मूव करा हो, जिसने बहुत सारी परेशानी देखी हो लाइफ में, जिसने वो परेशानी देखी हो जिस कारण उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ गया और मजबूरी में कुछ काम करना पड़ा, और काम करते करते उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था एक दिन मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा और देखते ही देखते इंडिया में हजारों लोगों को सर्विस देना शुरू करूँगा। आज मैं बात कर रहा हूँ सैंकी सर की, जिन्होंने उस उम्र में, जिस उम्र में कहते हैं ना कि हम कुछ सोच नहीं पाते, उस उम्र में मजबूरी के कारण पढ़ाई छोड़ के कुछ काम शुरू किया और कर बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और आज की डेट में इंडिया में आज बहुत लोगों को उनके बिजनेस स्टार्ट करने में, उनको कुछ काम शुरू करवाने में मदद कर रहे हैं। इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी मेरे लिए कम होगी, लेकिन आज इनके जरिए आप बहुत कुछ जानने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो, और अगर आप भी चाहते हो लाइफ में कुछ बड़ा करना, यकीन मानो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा अपना गुड नेम बताओ और कुछ अपने बारे में बताओ। मेरा नाम शेंगी पाल है और मैंने 2016 से अपना ये अमेज़न का करियर स्टार्ट किया था, जहाँ मैंने 1000 रुपये लगाकर और ये बिजनेस स्टार्ट किया था और फिर डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखी थी। तो 1000 रुपये लगाकर मैंने एक हफ्ते में मैंने 27000 रुपये कमाए थे। 1000 रुपये लगा कि आपने एक हफ्ते में 27000 कमाए थे? बिल्कुल सर। आप लोगों ने सुना कि ऑनलाइन, बहुत से लोग सुनते हैं कि ऑनलाइन में इनकम होती है, लोग बस सुनते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कितनी इनकम होती है ई कॉमर्स पर सेल करने से, कितनी इनकम होती है, वो मैं स्क्रीन शॉट है वो मैं आपको शो करूँगा। अच्छा, मतलब हाँ। आप चीज़ें दिखाने भी वाले हैं? बिल्कुल। तो सर ये बताओ, ये जो आपने अर्निंग करी थी कितने समय पहले की बात? सर ये 2016 में है और 2017 में जो ई कॉमर्स की जो ग्रोथ थी वो बढ़ी, और 2020 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो फ्लिपकार्ट ने $3.5 बिलियन यानी कि अप्रोक्स 250 बिलियन, अगर इंडियन करेंसी में 250 बिलियन उन्होंने फेस किया। अच्छा, हाँ 250 बिलियन। बिल्कुल। और दूसरी बात कि आप केवल इसी बिजनेस में हो या इसके अलावा और कुछ आपने करी हुई है? सर हमारे मल्टीपल वर्क्स हैं, जैसे कि ई कॉमर्स सेलिंग कराना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन पर सेलिंग कराना, और जो होलसेलर्स होते हैं उनको इंडिया मार्ट पर सेलिंग कराना, और हमारे कुछ वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी करते हैं हम लोगों के लिए, उनको कोर्स भी प्रोवाइड कराते हैं, और ई कॉमर्स का कोर्स भी प्रोवाइड कराते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, और उनको हम करके भी देते हैं डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। ओके। अच्छा संकी जी, एक सवाल और है मेरा, वो ये कि हर चीज़ का एक वजह होता है करने का। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस फील्ड में उतरने से पहले या इस काम को करने के का आइडिया कहाँ से आया आपको, किस क्यों आपने सोचा है करने के लिए? क्योंकि सर आप जानते हैं कि डिजिटली बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, नॉर्मली जो भी आजकल मैं देख रहा हूँ कंपनी सब डिजिटली जा रही हैं, सब आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। हालांकि वो जो गवर्नमेंट जो होती हैं MSME है, वो बहुत सारी कंपनी है, वो भी ऑनलाइन यूट्यूब पर आ रही है, ऑनलाइन चीज़ें जो लोगों को मोटिवेट कर रही हैं कि हाँ आप ऑनलाइन जाओ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऑनलाइन ही कोर्स सेल करें, ऑनलाइन लोगों को सिखाएं और बाकी लोगों को वेबसाइट वगैरह प्रोवाइड कराएं, उनमें हेल्प करें, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि जो लोग चीज़ 50000 रुपये या 80000 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं, हम उनको 10000 रुपये के अंडर प्रोवाइड करा देते हैं। अच्छा, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो। बहुत बढ़िया। एक सवाल है मेरा कि ऐसे कितने लोग आपके साथ जुड़े जिनको इस काम के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, फिर आपके साथ जुड़े और काम शुरू किया? सर मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, कुछ लोगों ने जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने मतलब एक कोर्स किया और उन्होंने अमेज़न पे अच्छे करियर बना रखा है, ठीक है ना। कुछ लोगों ने मतलब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख के अपना ही मतलब खुद का ओपन ऑफिस खोला हुआ है, मतलब सबने अपने अपने प्लेटफॉर्म जो है जिनको जो अच्छा लगता था उसने वो पकड़ा और हमने उनकी पूरी हेल्प की है। अच्छा। चाहे उनको जॉब दिलवाने में हो या उनका खुद का बिजनेस सेटअप कराने में हो, हर तरह से हमने उनकी हेल्प किया। इन पर मेरे पास उनके रिव्यूज़ भी हैं, क्योंकि हम रिव्यूज़ भी लेते हैं जो भी हमारे क्लाइंट होते हैं कि वीडियो के थ्रू रिव्यूज़ लेते हैं कि आपको हमारा सर्विस कैसी लगी, अच्छी लगी है, कुछ बुरा लगा है तो हमें बताइए कि क्या हम फीडबैक दीजिए, कुछ गलत है तो हम उसको सही कर पाएँ। अच्छा, तो हमने उनकी फीडबैक भी ले रखी। ओके। और सैंकी भाई एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, वो ये कि आज मैं बात करूँ, बहुत वैसे लोग हैं जो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उनके दिमाग में ये आए कि चलो आपको तो डिजिटली बहुत कुछ पता था, नहीं पता था, बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो लोग आपके साथ जुड़े, जिन लोगों ने काम शुरू किया, या मैं आपकी ही बात करूं, तो क्या शुरुआत में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से पता था?
शुरुआत में जो चीज़ होती है ना, शुरुआत में कुछ पता नहीं होता, जब बंदा लाइन में घुसता है ना उसको तभी चीज़ की नॉलेज होती है, धीरे धीरे सब चीज़ें बस एक्सपीरियंस हो जाता है। कभी मिस्टेक भी होती है, इतनी मिस्टेक नहीं होती क्योंकि हम इंसान गलतियों से सीखता है। बिल्कुल, और हमने गलती की, हम उसी से हमने जो चीज़ें सीखी हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने बताया। एक सवाल और है संकेत जी, वो ये कि आज मैं बात करूं, कोई चाहता है कि मैं आपकी तरह मैं भी कुछ स्टार्ट करूं और कुछ पैसे कमाऊं, क्या लगता है आपको कि आज के समय में इस काम में उतरना सही डिसीजन है? सर देखिए, मेरे पास ऐसे भी मेरे रिश्तेदार में भी हैं, वो मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो उन्होंने बीटेक की हुई है और वो मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं, और मैंने कोई, मेरे पास कोई डिग्री बीटेक वगैरह इतनी बड़ी डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हाँ, ऑनलाइन आजकल जॉब करने के बाद अगर आप कुछ जॉब करते हो या फिर मतलब कुछ कोर्स करते हो तो स्किल्स होनी चाहिए आप में, वो भी कोर्स करो, अच्छा कोर्स करो, जैसे कि अच्छे आजकल बहुत सारे कोर्स सिखाते हैं लोग, बाहर यूट्यूब कोर्स सिखा रहे हैं कुछ लोग वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स सिखा रहे हैं, जो भी कोर्स करो, स्किल डेवलप करो, उसके बाद आपको जॉब भी करने की जरूरत नहीं, आप खुद का काम कर सकते हो। जैसे कि ऑनलाइन का ले लीजिए, ऑनलाइन में क्या होता है कि चीज़ें महंगी बिकती हैं, हालांकि उसमें लेकिन चीज़ें महंगी किस लिए बिकती हैं, 50 की चीज़ 999 में बिकती है, उसका रीज़न ये है कि वो एक तो वारंटी देते हैं, रिफंड अवेलेबल होता है, तो उसमें पूरा रिस्क जो होता है सेलर का होता है, और जो भी हम सर्विस देते हैं, कोई भी हम सर्विस ले रहे हैं तो उसमें पूरा रिस्क हम लेते हैं, जिससे कि जो हमारे क्लाइंट है कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हमें लिए नेगेटिव फीडबैक हमें ना दे। ओके, और दूसरी बात की मैं बात करूं, आज कोई चाहता है कि मैं आपके साथ जुड़ूं, काम करूं, तो पहली बात उनका काम क्या होगा, दूसरी बात इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा? सर इन्वेस्टमेंट तो अगर वो करना स्टार्टिंग जो कर सकते हैं 2000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, 2000, लेकिन जो हमने पैकेज बनाया वो बनाया 5000 का, क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट नंबर 1 है हमारे इंडिया में, तो अगर वो दोनों को साथ लेकर चलें तो बेटर है, और उसमें आपका GST भी बनाकर हम देते हैं 5000 में, अमेजोन फ्लिपकार्ट प्लस GST। ओके, तीनों काम आप लोग करके देते हैं। हाँ, अमेजोन फ्लिपकार्ट में क्या करते हो आप? अमेजोन फ्लिपकार्ट में हम लोगों को प्रोडक्ट सेलिंग कराएंगे, जिनके पास पहले से प्रोडक्ट हैं उनको बताएंगे कि आप अपनी सेल कैसे बढ़ाएं, ऑल इंडिया कैसे सेल कर पाएं, जो होलसेलर्स हैं उनको हम हेल्प करेंगे, आप इंडिया मार्ट में कैसे होलसेलिंग कर पाएं, कैसे एडवर्टाइजमेंट कर पाएं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, घर बैठे काम करना चाहते हैं, चाहे लेडीज हो कोई भी हो जेंट्स हो, तो हम उनकी भी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार है, क्योंकि घर बैठे हम उनका अकाउंट भी ओपन करवाएंगे, उनको सामान भी उनको पहुंचा कर देंगे। ओके, मतलब टेक्निकली या किसी भी तरीके से जो भी हेल्प चाहिए आज के समय में, हर हेल्प आप करने वाले, A to Z हम उनकी हेल्प करेंगे, उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, A to Z हम सारी चीजें उनको सिखाएंगे। ठीक है, सैंकी जी, मैंने एक चीज और सुनी है, वो ये कि मैं बात करूँ अमेजन की या फ्लिपकार्ट की, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमें वहाँ सस्ते मिलते हैं, अगर मार्केट में आप जाओ जो चीज 10 रुपए का है वो मे भी 8 रुपए का मिल जाए, लेकिन कई बार मैंने ऐसा भी सुना है कि जो चीज मार्केट में 100 रुपए की होती है वो अमेजन फ्लिपकार्ट पे कभी कभी 800-900 की मिलती है, क्या सच्चाई है इसमें? सर बिल्कुल सच्चाई है इसमें, लेकिन जो चीज़ मार्केट में आपको 100 रुपए की मिल रही है, यानी कि आप दे लीजिए कि दिल्ली में कोई चीज़ सस्ती मिलती है, अगर आप वहाँ उड़ीसा में जाएँ तो लोगों के लिए भी महंगी हो जाती है, तो इसी तरह से कोई वहाँ का सेलर यहाँ से सामान लेके जा रहा है कोई दिल्ली से, ठीक है ना, आपको दिल्ली में सस्ती मिल रही है बट वो उड़ीसा लेके गया, उसका चार्जेस लगे हैं और वो महंगी बिकता है, उसकी बिकती भी है, इतनी बात नहीं बिकती है उसकी बिकती है, लेकिन आप वहीं मैन्युफैक्चरर के पास रह रहे तो आपको सस्ती मिल रही है, आप ऑफलाइन खरीदते हो, आप इसलिए आप ऑनलाइन नहीं खरीदते हो, लेकिन उड़ीसा में जैसे कि बहुत से स्टेट्स हैं, आसाम, जम्मू कश्मीर और भी सारे स्टेट्स हैं, तो वो लोग परचेज करते हैं इन चीज़ों को। अच्छा जी, और क्या प्लानिंग है आपका फ्यूचर में, और क्या प्लानिंग है, किस तरीके से काम करना? देखिए सर, हम तो हमारे लोगों के लिए सर्विस लेके आते रहते हैं, लेकिन जो भी अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इन पर लोगों को सेल कराएं, जो होलसेलर्स हैं उनके लिए करें, हालांकि इवन हमने जो भी अभी नया वर्क स्टार्ट किया होलसेलिंग का, जिसमें कि हम नए नए सामान लेकर आ रहे हैं, सेकंड हैंड फोन्स वगैरह, हेडफोन्स बहुत से लोग डिमांडिंग है चल रहे हैं आजकल, ये कि सेकंड हैंड चीज़ें वो लोग बाग बहुत ज़्यादा रीसेल हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, वो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, कोर्सेज आए हैं, जैसे कि अभी मेरे पास वेबसाइट पर बहुत सारी सर्विस हैं, जैसे कि GST से लेकर, यानी कि हमने एक पूरा एंटरप्रेन्योर कोर्स बनाया है जिसमें कि लोग बाग स्किल सीख पाएंगे, यानी कि बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, कोर्सेज होते हैं जो एक पैक में वो सारी सीख पाएंगे, वो ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है, सिर्फ 10,000 के अंडर में वो कोर्स है। अच्छा, हाँ, अगर वो चाहता है सिर्फ वो वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स सीखना चाहता है तो 2000 में मिल जाएगा उसको, तो अगर वो सारा पूरा एंटरप्रेन्योर कोर्स लेना चाह रहा है तो वो 10,000 के अंडर उनको मिल जाता है, तो ऐसी तरह हम चाहते हैं कि लोग बाग बस डिजिटली सीखें और ऑनलाइन अच्छे पैसे कमा सकें, तो यही मेरा है, क्योंकि आज के टाइम में जॉब का बहुत बड़ा दिक्कत है। बिल्कुल, मैं अपने अब लोकली भी देखता हूँ आसपास में, तो लोग बाग बहुत परेशान है जॉब को लेकर, क्योंकि ऐसे समय में जॉब किसी की छूट रही है, क्योंकि काम मार्केट का भी चल रहा है जैसे भी चल रहा है, बट लोग बाग बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं जॉब को लेकर, सभी चाहते हैं कि मैं जॉब भी करूँ साथ में अपना कोई पार्ट टाइम बिजनेस भी करूँ। सही बोल, सभी लोग ये चाहते हैं। ओके, अच्छा सैंकी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि आज मैं बात करूँ एक नॉर्मल बिजनेस का, तो उसको स्टार्ट करने के लिए इंसान को 50,000 लाख रुपए, 5 लाख भी कम पड़ जाता है, लेकिन आप ऐसा काम बता रहे हो जो केवल 2000 में हो सकता है,
2000 की इन्वेस्टमेंट से या 5000 की इन्वेस्टमेंट से। अब यहाँ पर एक सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 2000 या 5000 लगाने के बाद पता चले कि बहुत मेहनत भी किया बाद में कुछ रिजल्ट ना मिला। सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई मेहनत करे रिजल्ट ना मिले। इनके सपोर्ट कीजिए कि हम आपके साथ हैं, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो हम आपके साथ हैं, हर तरह से साथ हैं कि हम क्या करना है कैसे करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारे पास तो एक्सपीरियंस है, हम आपको बताएंगे क्या करना है, क्या प्रोडक्ट सेल करना है, किस तरह करना है, किस पैकेजिंग करनी है। लेकिन अगर आप बीच में ही अगर छोड़ देंगे तो उसका तो डर के हमारे बहुत से लोग डरते हैं, बीच में छोड़ देते हैं डर के हमारे, तो उसका कोई तो फायदा है नहीं। लेकिन हाँ कोई भी आप काम करते हो कम से कम आपको 2-3 महीने तो लग कर करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए। इवन लोग बाग मैं आपको बताता हूँ इतना कमा रहे हैं ऑनलाइन मार्केट में कि फ्लिपकार्ट पर डे की सेल उनको 700-700 सेल आ रही है, किसी की 6-6 लाख की सेल आ रही है, मतलब इतनी कमाई है। लोग बाग सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं बोला था कि इस वीडियो में प्रूफ दिखाऊंगा कि कितनी सेल आती है। ऑफिशियली फ्लिपकार्ट की तरफ से दिखाया जाता है कि हाँ हमारे जो सेलर्स हैं इतनी सेल करते हैं, तो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं मैं आपको शो करूंगा। और जो मेरे कस्टमर हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनकी भी आपको वीडियो दिखाऊंगा कि उनका बिजनेस कैसा रहा, अगर नेगेटिव रिव्यू वो भी दिखाऊंगा, पॉजिटिव है वो भी दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। मैंने sankipal.com से 6 महीने पहले एक प्लान लिया था ई कॉमर्स का। आज मैं उनके वजह से फ्लिपकार्ट पर एक सेलर हूँ और इस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मेरी अच्छी खासी इनकम है फ्लिपकार्ट से। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम निशांत है। मैंने sankipal.com से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है। पहले मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था ऐड वैड करना, लेकिन अब मैं गूगल पे भी ऐड करना शुरू किया है और फेसबुक पे भी ऐड करना शुरू किया है। इनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत जेन्युइन है और बढ़िया भी हैं, और जो भी क्वेरी होती है मैं सीधा फ़ोन करता हूँ, वो क्वेरी सॉल्व भी हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप भी ट्राई कीजिए एक बार। हेलो गाइस, माय सेल्फ आयुषी, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट। सो मैंने sankipal.com से ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी जिससे कि मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ, और मैं साथ ही साथ फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे भी सेलिंग कर रही हूँ, जो कि बहुत हेल्पफुल है। ये आप एक शॉर्ट एज में अर्न करना ये बहुत बड़ी बात होती है, और आजकल ये पॉसिबल हो रहा है। सो प्लीज़ ये बहुत हेल्पफुल है, और प्लीज़ sankipal.com पे कॉन्टेक्ट करें अगर आप भी अर्न करना चाह रहे हैं। तो गाइस, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारे डिटेल दिए हुए हैं, जाकर चेक करो। अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, इस टाइम में कुछ नया करने की सोच रहे हो, तो ज़रूर sankip सर के साथ आपको जुड़ना चाहिए और कुछ अलग स्टार्ट करना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा। बाकी आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।